बेटा इसके बाद सीक्वेंस सीरीज के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो तुम लोग जानते हो कैसे बनाएंगे, इसे दो पॉइंट ले लेंगे तो जोड़ जाएंगे तो बन जाएगा। ओके, तो अभी एक बात करते हैं कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन की बात हो तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्शन में कट करेगा, तो ये जो जितनी पॉजिटिव एंगल इसके साथ बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लोप, दैट इज थीटा। टैन थीटा को क्या बोला जाता है, स्लोप। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो मान लो तुम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या होता था, एक्सीलरेशन होता था, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल करेंगे उसका टेंजेंट को क्या बोलेंगे, स्लोप। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे x1 y1 पॉइंट है, यहाँ पे x2 y2 पॉइंट है सपोज, तो क्या होगा, ये थीटा है, यहाँ से ड्रॉ किया तो ये भी थीटा होगी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा y2 - y1, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1। तो टेन थीटा जो दो पॉइंट के केस में क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1, ये इस टाइप का है। तो अभी जो दूसरे एक पॉइंट है, एग्जाम्पल पॉइंट होते हैं, तो अभी ये देखो इस जगह पे स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट किया जाता है, m से। ओके, तो ये वाला इसका स्लोप हो गया। अभी एग्जाम्पल पॉइंट हम लोग मान लो कि ले लेते कि कोई भी एक्स वाई पॉइंट है, तो अनदर पॉइंट हम लोग मान लो कि कोई एक्स वाई पॉइंट है, तो उस केस में क्या होगा, y - y1 इक्वल्स टू m इनटू x - x1। अभी m कितना है, ये इसके बराबर है, तो y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 / x2 - x1, x - x1। अभी तुम लोग का थोड़ा डाउट हुआ कि सर ये वाला क्या है, ये चीज क्या है, ठीक है बेटा। कोई भी जगह पे मान लो कि हम बोल रहे हैं ये वाला x1 y1 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट, ये मान लो कि एक्स वाई एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका टेन थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम हो गया। हमको मान लो किसी ने स्लोप दे दिया तो हम क्या करेंगे, y - y1 x - x1, तो y - y1 / x - x1 इक्वल्स टू एम है टेन थीटा, तो y - y1 = m (x - x1) होगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पॉइंट भी देना होना चाहिए और स्लोप भी दोनों ही देना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो स्लोप देने का जरूरत ही नहीं है, दो पॉइंट दिया ना बेटा, ये दो पॉइंट दे दिया, तो इसका इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, y - y1 m (x - x1), m का वैल्यू फिर यहां से आ जाएगा। तो आज मान लो कि किसी ने बोल दिया कि हमारे पास कोई पॉइंट है 2, 3 और 7, 8 से कोई लाइन जा रहा है, 7, 8 इससे कोई लाइन जा रहा है 2, 3 और 7, 8, तो अभी क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएंगे x2, ये वाला क्या हो जाएंगे y2, ये वाला क्या होगा x1, ये वाला क्या होगा y1। बस इसमें पुट कर दोगे, पुट करने के बाद क्या होगा, y - y1 3, y2 - y1 8 - 3, x2 - x1 7 - 2, और दूसरा क्या, x - x1 कितना 2। बस ये तो जानते हो एक्स वाई पॉइंट तो होगा ही होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा सॉल्व करोगे तो उसमें एक्स वाई बोल के टर्म आएगा, ठीक है बेटा। एक बेसिक पार्ट होता है कि जो हम मान लो कि हमको स्लोप दे दिया और पॉइंट दे दिया, डायरेक्शन दे दिया और पॉइंट दे दिया, हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। हमको बोला कि देखो यहां से जो है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमको किसी ने बोला कि ये वाला पॉइंट के थ्रू एक लाइन बनाना, तो हम तो बना नहीं सकते, हमको बोलना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस में कितना एंगल करेगा, बोला कि 30 डिग्री एंगल करेगा, ठीक है 30 एंगल करेगा,
23 हम बना देंगे। दैट मीन्स हमको पॉइंट भी देना चाहिए, स्लोप भी देना चाहिए। और मान लो स्लोप नहीं दिया तो हम एसी बना देंगे, दो पॉइंट दे दिया तो एसी बना देंगे। तो दो पॉइंट के लिए स्लोप देने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट होगा तो स्लोप देना जरूरी है। इसीलिए देखो वन पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे स्लोप है और इसमें स्लोप नहीं है, ये सारे चीज एक्स वाई वाई वन के रेस्पेक्ट में है। बात क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा फिर एक बात और कर लेते हैं, 50% धीरे धीरे आ जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आते जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी डिस्कशन कर दिया। मान लो बेटा देखो ऋषि, अभी पॉइंट वाइज बता देता हूं। जैसे कोई लाइन था, ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल कर रहा है और 1.2 के थ्रू जा रहा है, नहीं तो दैट इज क्या बोले 2, तो नहीं हो रहा है, जैसे 4.2 के थ्रू जा रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो एक्स वन वाई वन किसके बराबर है? 4.2 के बराबर है। टेन 30 डिग्री कितनी है? 1/√3 है। तो इक्वेशन क्या होगा? वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मान लो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा करके समझ लो, ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है और यहाँ पे एक्स वन वाई वन पॉइंट है, तो ये जानते हो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसको क्या लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं, एक कॉमन पॉइंट ले लिया। ठीक है बेटा? तो अभी ये दोनों से हमने इसका स्लोप मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे वाले एक्स वाई बोल दिया तो अभी ये वाला पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी तो थीटा होगी, ये 30 हुआ तो ये भी 30 हुआ। तो डायग्राम को और एक बार बनाता हूँ, देखो ये थोड़ा छोटा जैसे लग, इस पॉइंट को कोई भी कॉमन पॉइंट लाइन के ऊपर एक्स वाई होती है और ये वाला एक्स वन वाई वन है, तो ये वाला थीटा एंगल कर रहा है, तो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा? वाई वन माइनस वाई, ये वाला क्या होगा? एक्स वन माइनस एक्स। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ये भी थीटा होगा बिकॉज ये पैरेलल लाइन से ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये भी थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स। इसको माइनस कॉमन लिया तो वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, टेन थीटा एम होता है, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अभी सेम चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना था? दैट वॉज टू, एम कितना था? 1/√3, और x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है? दैट इज 4। ऋषि इज इट क्लियर? ऋषि इज इट क्लियर? ओके, दैट मीन्स डायरेक्शन दे दे, पॉइंट दे दे, तुमने लाइन बना दोगे है? वो तो स्केल से बना के, पेंसिल से बनाते, प्रोटेक्टर से एंगल करके बना देते थे, यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू बन जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये हुआ, सपोज हमको बोला कि 5.6 और 8.9 इसी के थ्रू कोई लाइन जा रहा है, ये तो सीधे बन जाएगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। अभी तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो देखो अभी, हाँ बेटा जो भी, टेन 45 डिग्री, अच्छा ठीक है, ठीक, टेन 31/√3 है। अभी मान लो कि बेटा ये वाला एक्स वन वाई वन एक पॉइंट है, ये वाला एक्स टू वाई टू पॉइंट है, ठीक है बेटा, तो आराम से यहाँ पे जोड़ दे, जो स्लोप यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे, सब जगह सेम ही, तो ये वाला क्या होगा? y2 माइनस y1,
अब ये वाला इक्वेशन ए हुआ, हम लोग जानते हैं कि वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये तो जानते हैं ना। अभी इसका स्लोप इतना इतना पुट कर दिया ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू का वैल्यूज पुट कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर ऋषि, इज इट क्लियर? तो थ्योरी को पढ़ोगे, बाकी सारे चीज हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जस्ट इसका शुरू कर दिया कि हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते कैसे हैं और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला में कैसे करके बताया जाता है। ओके बेटा, गुड नाइट।